सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 ओडीआई मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला 30 नवंबर 2022 वेडनेसडे को खेला जाएगा। अब ये तीसरा ओडीआई मुकाबला क्रिस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से, यानी कि 7 AM से, जिसे आप लाइव देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो पर। यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको सब्सक्रिप्शन। जबकि आप फ्री में लाइव देखना चाहते हैं तो आप डीडी स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स पर बिल्कुल मुफ्त में लाइव देख सकते हैं। जहां इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन उससे पहले पहला ओडीआई मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और टॉम लेथम ने शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। टॉम लेथम ने अपना 7वां सेंचुरी स्कोर किया था, 145 रन बनाकर नाबाद रहे थे, और केन विलियमसन ने शानदार जबरदस्त 94 रनों की पारी खेली थी। अब न्यूजीलैंड ने पहला ओडीआई मैच 7 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया था, जिससे इस सीरीज में फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम 1-0 के अंतर से बढ़त पर है। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के लिए अब यहां से करो या मरो की स्थिति है। टीम इंडिया को अगर इस सीरीज में बराबरी करनी है, सीरीज ड्रॉ करवानी है, तो आखिरी ओडीआई मुकाबला यानी कि तीसरा ओडीआई मैच हर हाल में जीतना होगा। इससे यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया तीसरा ओडीआई मुकाबला हारी तो न्यूजीलैंड की टीम यह ओडीआई श्रृंखला 2-0 के अंतर से जीत जाएगी, या फिर तीसरा ओडीआई मुकाबला अगर टाई हुआ या फिर बारिश की वजह से रद्द हुआ तो फिर भी न्यूजीलैंड की टीम यह सीरीज 1-0 के अंतर से जीते जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले इस महामुकाबले के लिए इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच पिछले जो 6 ओडीआई मुकाबले खेले गए, न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 6 ओडीआई मुकाबलों में से लगातार 5 ओडीआई मुकाबले जीते और आखिरी मैच बारिश की वजह से नो रिजल्ट रहा है। जहां सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फरवरी 2019 से न्यूजीलैंड की टीम अपने होम ग्राउंड पर यानी कि न्यूजीलैंड में 1 भी ओडीआई मुकाबला नहीं हारी है। लगातार 13 ओडीआई इंटरनेशनल मुकाबले जीतते हुए आ रही है न्यूजीलैंड की टीम। तो न्यूजीलैंड को उनके होम ग्राउंड में हराना काफी मुश्किल हो गया है। हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस प्रदर्शन ओडीआई फॉर्मेट में खासतौर पर काफी शानदार, काफी जबरदस्त है। तो टीम इंडिया को तीसरा ओडीआई मुकाबला जीतने के लिए अगर टीम इंडिया की पहली बल्लेबाजी आती है तो भारतीय बल्लेबाजों को 300 प्लस का टारगेट देना होगा। जहां न्यूजीलैंड की टीम अब तक क्रिकेट के इतिहास में मात्र 2 ही बार 300 प्लस का टारगेट चेस कर पाई है इंडिया के खिलाफ, एक साल 2020 में, तो वहीं एक पहले ओडीआई मुकाबले में सीरीज के। तो भारतीय बैट्समैन अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 प्लस स्कोर कर देते हैं तो भारतीय गेंदबाजों को यहां पर थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और भारतीय टीम के जीतने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में तो इस मैदान पर अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 15 ओडीआई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 8 ओडीआई मुकाबलों में जीत मिली, तो वहीं चेस करने वाली टीम को मात्र 7 ओडीआई मुकाबलों में जीत मिली है। अब इस मैदान का जो औसत स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वह 262 रन, जबकि इस मैदान का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 341 रन जो कि स्कॉटलैंड की टीम ने बनाया था, तो वहीं इस मैदान का सबसे लोवेस्ट स्कोर 121 रन है जो कि वेस्टइंडीज की टीम ने बनाया था। तो चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से नंबर 1 पर फिन एलन, नंबर 2 पर डेवन कॉनवे, नंबर 3 पर केन विलियमसन कप्तान, नंबर 4 पर ड्रायल मिचेल, नंबर 5 पर टॉम लेथम विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 7 पर मिचेल सेटनर, नंबर 8 पर माइकल ब्रेसवेल, नंबर 9 मैट हेनरी, नंबर 10 टीम साउथी, नंबर 11 पर लुकी फर्ग्यूसन। तो वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। नंबर 1 शिखर धवन कप्तान, नंबर 2 शुभमन गिल, नंबर 3 सराज अय्यर, नंबर 4 ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 5 सूर्य कुमार यादव, नंबर 6 दीपक हुड्डा, नंबर 7 वाशिंगटन सुंदर, नंबर 8 दीपक चेर, नंबर 9 उमरान मलिक, नंबर 10 अर्शदीप सिंह और नंबर 11 युजवेंद्र चहल। तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 तीसरे ओडीआई मुकाबले के लिए, हालांकि ये प्रोबेबल यानी कि संभावित प्लेइंग 11 है, लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि दोनों ही टीम इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। अब पहले ओडीआई मुकाबले में संजू सैमसन ने शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, उसके बावजूद भी उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था दूसरे ओडीआई मुकाबले के लिए और उनकी जगह पर टीम में दीपक हुड्डा को शामिल किया गया था सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के लिए। जहां दीपक हुड्डा बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं और टीम इंडिया जो पहला ओडीआई मुकाबला हारी थी, कहीं ना कहीं भारतीय प्लेइंग 11 में छठा गेंदबाजी ऑप्शन नहीं था, इस वजह से भारतीय टीम को कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन अगर आपको दीपक हुड्डा को शामिल करना है, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, तो आप सूर्य कुमार यादव को रिस्क दे सकते हैं क्योंकि वो लगातार खेलते हुए आ रहे हैं और शानदार फॉर्म में भी चल रहे थे और उनकी जगह पर आप संजू सैमसन को खिला सकते हैं या फिर आप ऋषभ पंत को बिठाकर भी संजू सैमसन को मौका दे सकते थे।